कोचिंग छात्रों की सुसाइड के लिए कुख्यात कोटा में गुरुवार को एक अलग ही घटना सामने आई। सड़कों पर लाठी डंडों और हथियारों से लैस छात्रों का हुजूम था और उनके सिर पर खून सवार था। छात्रों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में एक छात्र की जान चली गई तो एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पहले सुसाइड और अब छात्रों में खूनी संघर्ष। लगता है कोटा में कोचिंग छात्रों को किसी की नजर लग गई है। कोचिंग छात्रों के सुसाइड सेंटर के रूप में सामने आ रहा था, लेकिन गुरुवार रात को इसका एक और रूप देखने को मिला। महावीर नगर सब्जी मंडी के पास सरेराह एक कोचिंग छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक करीब 100 से सवा 100 कोचिंग छात्र सड़क पर हाथों में डंडे धारदार हथियार लेकर आए और सत्य प्रकाश नाम के एक छात्र पर हमला कर दिया। इस बीच छात्रों के शोर को सुनकर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचे और हमलावरों से बीच बचाव किया, लेकिन हमलावर स्टूडेंट्स ने उन पर भी हमला कर दिया। इस बीच सत्य प्रकाश पर ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। 100 सवा 100 लड़के चाकू सरिये सब्बल लाठी लेकर के और वहाँ पूरे मोहल्ले में मतलब पूरी गली में फैले हुए थे और एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। हमने मतलब मैंने आओ देखा ना, ताओ में उनके बीच में कूद गया। जो चाकू लेकर के कर रहा था ना, मैं उसके मतलब दुर्भाग्य में उसके सामने पहुंच गया। उसने यूं करके चाकू घुसाने की कोशिश की, मेरी वाइट जो शर्ट थी वो फट गई। 40 मिनट तक चले खूनी संघर्ष में एक कोचिंग छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुआ, जो अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। मृतक कोचिंग छात्र बिहार का रहने वाला था, जो एलन में कोचिंग ले रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मृतक छात्र के परिजनों को सूचना दे दी गई है। लड़ाई झगड़े का कोई गुप्ता मैच में हो रहा था, झगड़ा उसमें आ गई भर्ती हुआ है, भर्ती के बाद में इसको डेड घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद देर रात तक ये मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। बेहद गंभीर है ये वारदात। आपको बता दें कि सिर्फ मरने वाला छात्र और घायल छात्र ही बिहार के नहीं थे, बल्कि ये बताया जा रहा है कि पूरी वारदात के पीछे बिहारी छात्रों का गैंग है। बताया जा रहा है कि झगड़ा बिहार के रहने वाले दो छात्र गुटों के बीच हुआ है। झगड़े की शुरुआत दिन में ही हो गई थी। गैंग बनाकर आए छात्रों ने चाकू और सरियों से हमला किया। घायल संदीप को न्यू मेडिकल कॉलेज भेजा गया, वहीं लहूलुहान सत्यप्रकाश को तलवंडी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सत्यप्रकाश को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन तक किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि संदीप जो घायल है गंभीर रूप से, वो 5 दिन पहले ही जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम IIT की कोचिंग के लिए कोटा आया था और फिलहाल वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ हिमांशु मित्तल इस पूरी वारदात की जानकारी देने के लिए कोटा से मौजूद हैं। हिमांशु, अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? देखिए अमित, आपको बता दें कि कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात ये है कि अब से पहले कोटा में जो कोचिंग छात्र है, पूरे देश भर से छात्र आते हैं, लेकिन पहले सामने आता था बिहार टाइगर्स के नाम से बिहार के जो तमाम छात्र हैं उन्होंने अपनी गैंग बना रखी है। और कहीं ना कहीं अब ये जिस तरह से कल पूरा ये गैंगवार हुआ है, इस उसके संकेत मिल रहे हैं कि बिहार जो टाइगर्स की गैंग है सक्रिय हो गई है। और जिस तरह से कल दिन में एक छोटे से झगड़े से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई, जो शाम को महावीर नगर इलाके में सैकड़ों छात्र जुटते हैं हाथों में डंडे और धारदार हथियार के साथ में जुटते हैं, छात्रों पर जानलेवा हमला करते हैं, तो कुल मिलाकर के ये बड़ी घटना कही जा सकती है। और साथ में अमित, पूरी रात पुलिस ने अलग अलग महावीर नगर, तलवंडी और जवाहर नगर इलाकों में दबिश दी है। साथ में करीब आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है। कोचिंग संस्थानों से भी इन छात्रों का रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। पूरी रात जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं खुद मौजूद रहे मौके पर, जो महावीर नगर में जिस जगह पर ये पूरा की पूरा हंगामा हुआ, जिस जगह पर पूरी घटना हुई, वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। हिमांशु, सबसे अहम सवाल के जो कार्रवाई है वो पुलिस तो कर रही है, बच्चों को हिरासत में लेके, जो आरोपी हैं उन्हें हिरासत में लेके पूछताछ भी कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना को अब किस तरह से देखा जा रहा है? एक तरफ पहले सुसाइड की बातें सामने आती थी, कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल की बात सामने आती थी, अब उसके बाद अब जो ये घटना सामने आई है वो कोचिंग छात्रों के ऊपर ही सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अमित, अब तक कोचिंग छात्र खुदकुशी कर रहे थे, लेकिन अब कुल मिलाकर के छात्र झगड़ा कर रहे हैं, झगड़े के साथ में एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है, ये विवाद हुआ था, जब जहां तक अभी जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस
जो छात्र है जो मौके पर उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में उन्हें हिरासत में ले रही है, पूछताछ के बाद में इसका पूरा कारण निकाल करके इसमें कार्रवाई की जी। हिमांशु, आप नजर बनाई रखिए इस खबर पर, बेहद गंभीर ये मामला है और जाहिर है इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब ज्यादा प्रेशर बनेगा कोचिंग संस्थानों पर और वहां कोटा के जो जहां पर रिहाइश होती है इन बच्चों की, उस पूरे माहौल पर कि किस तरह से इस कोटा में बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा सके।